My dear students, I, Selwyn George from Bachman and Seven Star Convent School, going to teach history chapter 1. And from that chapter, first topic is French Revolution and the idea of nation. What do you mean by? french revolution in 9 standard we have already learned about french revolution what was the main topic how the french revolution happened we have already discussed in 9 standard but i will give you a brief introduction the french revolution started in 1789 french was a full-fledged nation in 1789, अंडर द रूल ऑफ एब्सोल्यूट मनार्ज इसका मतलब ये है कि फ़्रांस हमेशा ही एक राज्य था एक देश था जिसके पूरा टेरिटरी एक एब्सोल्यूट मनार्ज यानी एक राजा रूज, रूल करता था कोई भी उसके अधिकार को रोक नहीं सकता था पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस चेंजेस हुए फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद पब्लिक लोग चाहते थे कि मनार्ज सिस्टम हट जाए और उसको जो आज़ादी है वो लोग उस देश को सवारें एक शेप दे ना कि कोई राजा वो सोचते थे कि देश में जो लोग रहते हैं जो प्रजा रहती है वही उस देश की डेस्टिनी यानी नसीब बदले ना कि एक राजा के हक में रहे फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने स्टार्ट में ही लोगों ने एक आइडिया रखा कलेक्टिव आइडेंटिटी मतलब जैसे कि हम एज एन इंडियंस कहते हैं हम एज ए इंडिया मानते हैं वैसे ही वो लोग चाहते थे कि एक देश को कंटिन्यूटी रहे कंटिन्यूटी का मतलब है कि एक यूनिटी हो कलेक्टिव यूनिटी हो यही चीज़ वो चाहते थे तो उन्होंने एक नया आइडिया स्टार्ट किया उस फ्रांस भाषा में कहा जाता है ला पार्थी द इंडिया इंग्लिश में कहा जाता है द फादरलैंड जिस तरह से हमारे देश को हम मदरलैंड हमारी माँ समझते हैं फ्रांस में ये लोग इसे फादरलैंड की संख्या देते थे फादरलैंड कहते थे द ला सिटीजन यानी द सिटीजन हम जैसे उस नागरिक उस देश के नागरिक ये मायने रखता था उनको था कि हर एक जो भी फ्रांस में जन्म लेता है उसके सारे इक्वल राइट्स होने चाहिए ना कि कोई राजा हो जो उन पर राज करे उन्होंने एक नई फ्रेंच फ्लैग भी इंट्रोड्यूस किया ट्राई कलर वाला जिस देश जैसे ही हमारे देश में फ्लैग है वैसे उस टाइम पे उन्होंने रेवोल्यूशन में फ्रेंच फ्लैग ट्राई कलर का उन्होंने चूज़ किया रॉयल को रॉयल स्टैंडर्ड जो थे राजाओं के जो फ्लैग थे जो झंडे थे उनको हटा दिया स्टेट जनरल्स को उन्होंने इलेक्ट किया और उन्हीं को ही नेशनल असेंबली जिस तरह से हमारे देश में एम और एम एल होते हैं वैसे ही वहाँ उस टाइम पे स्टेट जनरल्स को पब्लिक ने वहाँ की सिटीजन्स इलेक्ट elect किया इलेक्शंस हुई और उन्होंने उस स्टेट जनरल्स के नाम रखा नेशनल असेंबली नए गाने गाए गए थे नए यूम्स बनाए गए थे देशभक्ति के अंदर देश के प्रति प्यार दिखाने के लिए लोग चाहते थे कि देश सबसे आगे रहे देश के लिए प्यार रहे नए कस्मे खाए गए प्लेज लिए गए ओथ्स लिए गए कि हम और एडमिनिस्ट्रेटिव को सेंट्रलाइज़ कर दिया गया कि वहाँ छोटे छोटे राज्यों में से जो सबको एक बना दिया गया और वहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई उन्होंने बहुत सारे कानून नए कानून बनाए यूनिफॉर्म लॉज बनाए ऐसा नहीं कि एक के लिए अलग कानून दूसरों के लिए अलग कानून सारी सिटीजन जो उस देश में रहते थे सबके लिए एक ही कानून रखा उन्होंने सबसे सब पहला चेंजेस उन्होंने लाया कि वहाँ छोटे छोटे जगहों पे अलग अलग वेट सिस्टम इस्तेमाल करते थे कोई कुछ तोलता था कोई अलग तोलता था अगर सोचो मैं यहाँ से कोई चीज़ चीनी लेके जा रहा हूँ तो दूसरी जगह पे उसका तोलने का अंदाज़ अलग हो जाता तो इसीलिए उन्होंने पूरे फ्रांस में एक सिस्टम लाया एक वेट सिस्टम ताकि आप एक जगह पे अगर तोलते हो वैसे ही आप दूसरी जगह पे जाओगे तो वैसे ही तोला जाएगा जैसे हमारे आज के टाइम पे केजी, हम लोग यानी किलोग्राम के हिसाब से तोलते हैं वैसे उस टाइम पे एक ही एक ही यूनिट रखा गया बहुत सारे और भी मेथड्स इस्तेमाल किए गए उन्होंने सारे रीजनल डायलेक्ट्स को हटाने की कोशिश की और उनको एक ही लैंग्वेज सब चीज़ें पेरिस में लिखा गया कॉमन लैंग्वेज इस्तेमाल किया गया ताकि सबको एक ही लैंग्वेज समझ में आए अलग अलग लैंग्वेजेस छोटे छोटे रीजन्स में अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे उसको उन्होंने कहा कि हटाओ कॉमन लैंग्वेज लाओ रेवोल्यूशनरीज ने उनका मिशन था कि लोगों को आज़ादी दिलाई जाए और पूरे यूरोप में ये बात चले कि हर एक देश एक देश बने और इस तरह से यहाँ नेशनलिज्म काम आती है फ्रेंच रेवोल्यूशन पहला जगह है फ्रेंच जहाँ से नेशनलिज्म स्टार्ट हुआ यहाँ इन्होंने दुनिया को यह बताया खास करके यूरोप के लोगों को बताया कि हमें अपने अपने देश बनाना चाहिए जहाँ कॉमन हिस्ट्री हो कॉमन लैंग्वेज हो कॉमन उनका पास्ट हो जिससे उन्हें लगे कि यहाँ अपने देश के प्रति प्यार पहले तो ऐसा नहीं होता था उससे पहले उससे पहले तो राजा अपनी ज़िंदगी जीते थे राजा इस क्षेत्र को कब्जा कर लेता या उससे क्षेत्र लड़ाई करके छीन लेता तो लोग भी उसमें इन्वॉल्व नहीं थे लेकिन जैसे ही फ्रेंच रिवोल्यूशन आया लोगों में जागरूकता ये हुई उनको लगा कि हम हैं असली प्रजा ही होती है सब कुछ तो उन्होंने कहा कि ये राजा कौन होते हैं और उन्होंने मुनार सिस्टम को हटा के अपने हाथ में सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस ले लिया है इसमें खास करके सबसे बड़ा योगदान था मिडिल क्लास लोग मिडिल क्लास लोग यानी वो लोग जो व्यापारी थे जिनके बच्चे पढ़ लिख गए जिनके पास थोड़े पैसे आने लगे ना वो अमीर थे ना ज़्यादा गरीब थे उन्होंने पढ़ लिखने के बाद उन्होंने ये लिखा कि ये मुनार्च कौन से नोबल होते हैं ये भी हमारे जैसे इंसान होते हैं जिन्होंने पैदा हुए हैं तो उनको वो आम, सारे को समान अधिकार होना चाहिए और इस तरह से उन्होंने एक आंदोलन स्टार्ट किया मिडिल क्लास लोगों ने एक क्लब बनाया उस क्लब का नाम रखा जैकोबिन जहाँ मिडिल क्लास लोग ही शामिल होते थे गरीब लोग शामिल होते थे और वहाँ से उन्होंने धीरे धीरे फ्रेंच आर्मीज बनाई हॉलैंड के अंदर भेजे बेल्जियम के अंदर भेजा गया स्विट्ज़रलैंड और बहुत सारी इटली के जगह पर सेवेंटी तक कब्ज़ा कर लिया गया और इस तरह से रेवोल्यूशनरीज़ ने एक बड़े से यूरोप पे अपना राज्य स्थापित कर दिया फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट तो हुआ लोग चाहते थे कि वो राजा को हटा दें और उन्होंने हटाया भी राजा के सैनिकों से लड़े और धीरे धीरे राजा के सैनिक को हटा दिए राजा को मार दिए गए लेकिन इस सब का एक लीडर उभरा जो जनता की तरफ से उसका नाम था नेपोलियन नेपोलियन धीरे धीरे सत्ता पर काबिज़ हो गया और उसने 1804 पे अपने आप को राज राजा घोषित कर दिया रेवोल्यूशनरीज के लिए प्रॉब्लम थी लेकिन फिर भी नेपोलियन ने भी बहुत सारे अच्छे काम किए उसने उसने डेमोक्रेसी भले ही फ्रांस में हटा दिया लेकिन उसने कुछ ऐसे काम किए जो दूसरे शायद नहीं कर पाते उस काम को कहा जाता है सिविल कोड ऑफ 1804 ये उन्होंने कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें उसने इंट्रोड्यूस करवाया नेपोलियन ने जिसे हम लोग नेपोलियनिक कोड या सिविल कोड ऑफ 1804 कहा जाता है इसमें सारे लोगों को राइट टू प्रॉपर्टी ये था यानी वहाँ के फ्रांस के लोग वो अपने यहाँ ख़रीदारी कर सकते थे जो भी प्रॉपर्टी खरीदना था खरीद सकते थे पूरे जो भी फ्रेंच कंट्रोल जिधर जिधर था उनका ये रूल चलता था उन्होंने सारे फेडरल सिस्टम हटा दिया फेडरल सिस्टम क्या था कि वहाँ के जमींद फेडरल सिस्टम यानी लगभग ज़मींदारी सिस्टम कि भाई वो उस एरिया का ज़मीन उनके पास होती थी वो किसानों को ज़मीन बाँटते वहाँ से किसान काम करता और अपना आधा से ज़्यादा हिस्सा टैक्स के रूप में फेडरल लॉर्ड्स को देता फीडल लॉर्ड अपने पास थोड़ा रखता और राजा को देता लेकिन नेपोलियन ने ये सारा सिस्टम हटा लिया उसने सारा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इंप्रूव करने की कोशिश की उसने उसने सारा रोड्स अच्छे बनवाए उसका कहना था कि अगर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छी रहे तो व्यापार अच्छा होगा उसने सारे आर्टिशंस वर्कर्स नए बिजनेस को प्रोत्साहन दिया उसने एक ही टैक्स लाया पूरे रीजन में जहाँ भी उसकी कंट्रोल था वहाँ एक बार आपने टैक्स भर दिया सामान पे उसे आप कहीं भी लेके जाके बेचो उसको आपको बार बार टैक्स उस प्रोडक्ट पे देने की जरूरत नहीं थी इससे बिजनेसमैन भी खुश थे प्रोडक्ट सस्ते में मिल रहा था और अपने देश के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की नेक्स्ट टॉपिक हम कल के लिए करेंगे थैंक यू